संभवतः आप थोड़ी भ्रमित हैं। हमारे राज्य में ऐसे कई विद्वान हैं जो आपसे अधिक बुद्धिमान हैं और आपको पराजित कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है महाराज, यहां ऐसा कोई भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके राज्यसभा में ऐसा कोई भी है जो बुद्धिमत्ता में हमें परास्त कर सके, तो हम स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हैं। हम यहां सभी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देते हैं। कि कोई आए और हमें हराए और आपकी बात को सिद्ध करे, ये ज्ञान का युद्ध होगा। उचित है, यदि ऐसी बात है तो महाराज क्षमा कीजिए। हमारे विचार से आनंद तो तब है जब दो समान ज्ञानियों में प्रतिस्पर्धा हो। गुरु जी, अगर इस देवी ने आपको हरा दिया ना, तो आपकी जो प्रतिष्ठा है ना, समाप्त हो जाएगी। गुरुवर, परंतु महाराज, हमारे लिए तो ये सब मोह माया है, हमें तो इस सब से परे ही रखिए महाराज। उचित है, तो ठीक है, हम पंडित रामकृष्ण को नामांकित करते हैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए। वो आपको इस ज्ञान के युद्ध में परास्त करेंगे। हमें स्वीकार है महाराज। तो इस तरह कल रात दरबार में पंडित रामकृष्ण और मोहिनी देवी के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, जहां पंडित रामकृष्ण आपको परास्त करेंगे। किंतु महाराज, यदि हमने पंडित रामकृष्ण को पराजित कर दिया तो ले, तू तो फिर फंस गया रामा, जल्दी कुछ बोल। महाराज, मैं पंडित रामकृष्ण की ओर से हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं देवी। पराजित होने का परिणाम क्या होगा महाराज? आप बताइए। यदि हमने पंडित रामकृष्ण को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया तो 41 दिवस तक उन्हें हमारे दास बन के रहना होगा। और यदि पंडित रामकृष्ण ने आपको परास्त कर दिया तो? यदि ऐसा हुआ तो वही होगा जो पंडित रामकृष्ण कहेंगे। ये क्या हो गया? इतना अच्छा अवसर खो दिया हमने, पुनः अवसर पंडित रामकृष्ण को मिल गया। गुरुजी, हमें पंडित रामकृष्ण में पूर्ण विश्वास है। क्यों? यही कि पंडित रामकृष्ण मोहिनी को अवश्य परास्त कर देगा। तो तेरा ये शास्त्रार्थ होगा महाराज, परंतु ये शास्त्रार्थ संपन्न कैसे होगा? गुरुवर जी, महाराज आप इस राज दरबार के राज पुरोहित हैं, तो आप ही इस शास्त्रार्थ की रूपरेखा निर्धारित करेंगे। ये दायित्व आपका हुआ। स्वीकार है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। आचार्य तथाचार्य इस शास्त्रार्थ की रूपरेखा निर्धारित करेंगे और कल प्रातःकाल ये शास्त्रार्थ यहीं इस राज दरबार में होगा। चिंता मत कर रामा, थोड़ी सी तैयारी कर ले,
तू ये शास्त्रार्थ में अवश्य विजयी होगा। महाराज यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रस्थान करूं, कल के शास्त्रार्थ की तैयारी करनी है। अवश्य पंडित, चाहिए जी। प्रणाम। प्रणाम देवी जी। प्रणाम महाराज। मोह गुरुवर। मोह माया, सब मोह माया है महाराज। सभा आगे बढ़ाई जाए। अरे ये तो समस्त राज्यों के महान प्रकांड पंडित हैं, परंतु ये इस दशा में क्यों है? प्रणाम महापंडित श्रीधर, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जैसे महापंडितों को अपने समक्ष देखना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु क्षमा करें, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप जैसे महापंडित विद्वानों की ये दशा कैसे हुई और किसने की? हमने। पंडित रामाकृष्ण, ये सारे पंडित हमारे सेवक हैं। देवी ये तो प्रकांड पंडित हैं, आदर और सम्मान के अधिकारी हैं। ये सारे पंडित हमारी पालकी उठाते हैं, क्योंकि हमने इन्हें शास्त्रार्थ में परास्त किया है। रामा, ये सब तो समस्त राज्यों के महाज्ञानी हैं। इनकी ये दशा कर दी है इस मोहिनी ने। कितनी घमंडी है और असमंजस व्यवहार है इन पंडितों के प्रति। पंडित रामाकृष्ण, क्या हम जान सकते हैं कि आप सोच क्या रहे हैं? चलिए हम ही बता देते हैं। क्या आप इन आठ महान पंडितों को देखकर आश्चर्यचकित तो नहीं हो रहे हैं? आइए हमारे साथ। हमारे सेवक केवल वो नहीं है जो हमारी पालकी उठाते हैं, और भी कई हैं। देखिए वहां। ये सारे पंडित हमारे बुद्धिमत्ता के साक्षी हैं। इन सबको हमने ज्ञान की प्रतिस्पर्धा में हराया है। पंडित रामाकृष्ण, आप चिंतित ना हो, आपको हम हमारी पालकी उठाने का अवसर देंगे। रामा, तुझे तो इस स्पर्धा में अवश्य विजयी होना पड़ेगा, अन्यथा 41 दिवस पालकी उठाना पड़ेगा। हाँ बंधु, मुझे ये शास्त्रार्थ किसी भी हालत में जीतना ही होगा। किसी भी और स्पर्धा से अधिक मुझे इसमें विजय होना आवश्यक है, और ये स्पर्धा मैं इन पंडितों और ज्ञानियों के लिए जीतूंगा जिनका स्त्री ने इस तरह से अपमान किया है। नृत्य प्रारंभ किया जाए। नेत्र मुद्रा में हंस रहे थे, तो फिर चीखे क्यों? हाय, मोहिनी जैसी विश्व सुंदरी के हाथों अंगूर सेवन करने का आनंद ही कुछ और है, परंतु सारा आनंद भंग कर दिया। ये लंगूर रामाकृष्ण स्वप्न में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है।
स्वामी हा? क्या हुआ, आप मौन क्यों हैं? कोई दुस्वप्न देखा? हमने स्वप्न में अत्यंत सुंदर नार अति सुंदर दामी वर्म की साड़ी आपके लिए लाए थे, तदुपरांत हमने देखा वो साड़ी किसी और ने धारण की हुई, तो हम चीखे। कौन है वो जिसने स्वप्न में हमारे अधिकार का हनन किया? धनी, धनी ने वो साड़ी धारण कर रखी थी। धनी ने? परंतु आप किंचित भी चिंतित ना हो रहे हैं, वो स्वप्न था। यथार्थ में हम न धर्मियों को आपकी साड़ी कदापि नहीं ले जाने देंगे। हम तो आपके स्वप्न में आकर ही धन्य हो गए स्वामी, आपकी बहुत कृपा है हम पर, हम अभी भगवान को नैवेद्य चढ़ा कर आते हैं। जाइए। क्यों प्रभु, स्वप्न में साड़ी थी या साड़ी के संग विश्व सुंदरी नारी? इधर आओ जी गुरु जी। सारा आनंद भंग कर दिया इस रामा ने। यदि कल वो शास्त्रार्थ जीत गया तो उसकी ख्याति पुनः बढ़ जाएगी, महाराज के दरबार में नायक बन जाएगा वो, तत्पश्चात मोहिनी वो अधर्मी में ना जाने क्या क्या करवाएगा मोहिनी से। गुरुजी आप मोहिनी को कम मत समझिए, मोहिनी ने ना जाने कितने प्रकांड पंडितों को धूमिल करके अपना सेवक बनाया है। अच्छा हुआ गुरुजी जो आपकी प्रतिस्पर्धा उस मोहिनी देवी के साथ नहीं हुई, अन्यथा वो तो आपको निश्चय ही पराजित कर लेती और आपको उठानी पड़ती उसकी भारी भरकम पालकी। सोचिए गुरुजी, आपसे तो जल का पात्र भी नहीं उठाया जाता। गुरुजी फिर तो आपको विजयनगर छोड़ के जाना पड़ता और कहीं और आपको अपना डेरा जमाना पड़ता। इधर जी गुरु जी। महारानी तिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, ये किस प्रकार का व्यवहार है? हम जैसी रूपवती विदुषी पत्नी होते हुए भी आपको प्रेम का अर्थ नहीं पता? वो रूपवती मोहिनी के समझाने के पश्चात तो आपको सब समझ में आ गया होगा। महारानी? महारानी नहीं, अब सारे अर्थ परिभाषा तात्पर्य संदर्भ वही बताएगी आपको। परंतु क्या आपको हमसे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ? वाह, परंतु परंतु प्रेम का अर्थ समझ में नहीं आया है ना? परंतु मोहिनी के समझाने पर तो सब समझ में आ गया होगा है ना? आप हमारी बात तो सुनिए महारानी। आप हमारी बात सुनिए महाराज, अब हम आपको दिखाएंगे नवरस। नवरस होते हैं ना प्रेम में? जी। ये मोहिनी ने भेंट की थी ना आपको? जी। परंतु इसमें श्रृंगार रस नहीं है। महारानी तो ये था श्रृंगार रस। देखिए महारानी, आपसे समझने में कदाचित कोई भूल हो रही है। भूल हमसे नहीं आपसे हो रही है। आप दोनों हंस क्यों रही है? महाराज हम हंस नहीं रहे, हम आपको हास्य रस से परिचित करवा रहे हैं। कि आप हमारी बात तो सुनिए, हम तो आप सुनिए, जब हमने पहली बार मोहिनी के बारे में सुना तो हमें अद्भुत रस की अनुभूति हुई। तत्पश्चात हमने देखा कि आप उस सुंदरी मोहिनी से प्रभावित हो गए तो हम भयभीत हो गए। रानी चिन्ना देवी भयभीत होना, बहुत रूप दिखाने का आगे अवसर मिलेगा, अभी भयभीत हो ये भयभीत। तत्पश्चात जब हमें पता चला कि हम मोहिनी के उत्तर से अति प्रसन्न हैं, तब हमें विभत्स रस का अनुभव हुआ, घृणा हुई हमें। तत्पश्चात हमें पता चला कि आपने पंडित रामकृष्णा के साथ मोहिनी का शास्त्रार्थ रखा है ताकि वो पुनः राजसभा में आए और आप पुनः उन्हें देखें। ये सुनकर हमें क्रोध हो गया। महारानी रौद्र रस, फिर हमें स्मरण हुआ वीर रस का, वो भी दिखाएं आपको। जी इसकी क्या आवश्यक? क्षमा 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 महारानी तिरुमलम्बा,
और आप दोनों शांत रस का अनुभव करें। शांत हो जाइए महारानी तिरुमलम्बा। नहीं, आज हम महाराज को समस्त रसों का रसस्वादन करवाएंगे। महारानी, सारे रस अनुभव कर लिए आपने? जी, पूर्ण रूप से कर दिया, पूर्ण रूप से, धन्यवाद। परंतु आज के बाद आप हमारे कक्ष में कदापि नहीं आएंगे। और यही आपका दंड है। हाँ, चलिए। है किसी ने जब अर्धांगिनी मारे प्रश्नों के डंक, बोलती हो जाए बंद चाहे राजा हो या रंक, सत्य वचन है। मेरा पुत्र शास्त्रार्थ के लिए कितना परिश्रम कर रहा है। ये ध्वनि कैसी? मुझे क्यों मिल रहा है? ये तो सरासर अन्याय है रामा। न्याय जाके महाराज से मांग। इसमें महाराज की क्या आवश्यकता है? अम्मा ही न्याय कर देगी। तुझे लैब को अध्ययन करने बोला था ना, और तू सो गया था। ये गुंडापा अग्नि में घी क्यों डाल रहा है? इसे चुप करा रामा। गुंडप्पे, तू शांत रहने का क्या लेगा? दंतिया। ये क्या है? गीला वस्त्र है। वो तो मुझे भी पता चल रहा है गीला वस्त्र है, लेकिन सर पे क्यों रखा है? ताकि आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाए और आप अपना ध्यान केंद्रित करके अध्ययन कर सके। तुम्हें पता है महाराज कितने अच्छे हैं, कितना स्नेह करते हैं मुझसे। जब भी कोई विकट समस्या होती है ना, तो मेरा ही स्मरण होता है उन्हें। अभी तो तुमने मेरा स्नेह देखा ही कहाँ है। अगर उस महिला को शास्त्रार्थ में नहीं हराया तो इस घर से निकाल दूंगी और लाठी से टांगे तोड़ दूंगी। अयो शारदा, सुना है वो मोहिनी अत्यंत रूपवती है, सुंदर है। ऐसा तो नहीं रामा कृष्ण परास्त होकर स्वयं मोहिनी के साथ जाना चाहते हो? अरे रूपवती हो या ना हो, उससे क्या होता है? क्यों, आपने देखा नहीं उसको? देखा ना। अच्छा, तो दरबार में स्त्रियों को देखने जाते हैं आप? है? अरे वो मेरे समीप आकर खड़ी हो गई थी, इसलिए देखा। समीप, आपको तो आनंद आ गया होगा। आनंद आने वाली कौन सी बात है इसमें? तो आपकी क्या कामना थी, आपको आलिंगन कर लेती? शारदा, वो मुझे आलिंगन क्यों करेगी? अच्छा, तो अब आप आलिंगन करने का कारण ढूंढ रहे हैं? अरे आलिंगन करने का कोई कारण ही नहीं है। तो मतलब बिना कारण वो आपसे आलिंगन कर लेगी? सुब्बा लक्ष्मी, इसमें इतना हास्यास्पद क्या है? शारदा सतर्क हो जाओ। अयो पुरुषों को फिसलने में समय नहीं लगता। मैं पुरुष नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं उस प्रकार का पुरुष नहीं हूँ। लक्ष्मी, अब शांति मिल गई आपको? शारदा, ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार बंद करो। अम्मा, अब इन्हें हम मूर्ख भी लग रहे हैं। तुम लोग
लोगों के साथ समय व्यतीत करने से तो उचित है मैं उस मोहिनी का दास बन जाऊं। इस समय कौन द्वार खटखटा रहा है? हम मार्ग भटक गए थे तो भटकते भटकते यही आ पहुंचे। हाय, ईश्वर करे आप प्रतिदिन मार्ग भटके और यहाँ पहुंचे। रात्रि होने को है, जाओ विश्राम करो मेरे पुत्रों। पुत्रों? हाँ, तुम दोनों हमारे लिए पुत्र समान ही तो हो। पिताश्री। हाँ बोलो। हम यहीं रह के आपकी सेवा करेंगे। चल धनी, पिताश्री की सेवा करते हैं। स्थिति की गंभीरता को समझो मेरे पुत्र, जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे। ना, ना, ना। भागो यहाँ से, भागो, भाग जाते। कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम आपसे जो मांगेंगे आप देंगे? अवश्य। क्या चाहिए आपको? जल। क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लीजिए। कैसा था जल? जल जैसा। आचार्य जी। जी। हमने सुना है पंडित रामाकृष्णा अत्यंत चतुर एवं विद्वान है। हाँ। उन्हें समस्त वेद पुराण और शास्त्रों का ज्ञान है, परंतु उतना नहीं जितना हमें। परंतु उनसे शास्त्रार्थ तो हमें करना है, आपको नहीं। और हम परास्त हो गए तो? हमारे होते आप परास्त क्यों होंगे? आप रहने दीजिए, आप भी क्या करेंगे, आप तो केवल मध्यस्थ है ना। हम आपकी सहायता करेंगे, अवश्य करेंगे, शास्त्रार्थ में भी एवं। आचार्य जी, आप अत्यंत अच्छे हैं और भोले भी। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा ध्यान रखेंगे। हम आपको वचन देते हैं, पंडित रामाकृष्णा अवश्य पराजित होगा। तो फिर कल भेंट होगी। अवश्य कल दरबार में भेंट होगी। हमने कहा ना आचार्य जी, आप सचमुच में भोले। भेंट दरबार में नहीं अपितु आपके निवास में होगी। कल रात सभा में हमारी विजय के बाद विजय उत्सव मनाने के लिए हम यही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मो। आप दरबार के सम्मानित सभासद हैं,
मोहिनी के सौंदर्य को देखकर मोहित होकर मुंह खोलकर मत रह जाइएगा। महारानी चिन्ना देवी पधार रही है, महारानी तिरुमलम्बा पधार रही है, महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी तिरुमलम्बा की जय। हमें भी देखना है मोहिनी कितनी रूपवती और ज्ञानी है। परंतु स्त्रियों को देखने का मुंह नहीं गया। मोहिनी तो वास्तव में स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी लगती है। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। महाराज सभा आरंभ की जाए। जी महाराज। आचार्य आज की प्रतिस्पर्धा के नियमों से सभी को परिचित करवाएं। महाराज आज का ये दिवस विजयनगर साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। आज यहाँ जिस शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया है, इस शास्त्रार्थ में दो प्रतिस्पर्धी हैं। हमारी बाई ओर हैं विजयनगर साम्राज्य के विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्णा, आइए। और हमारी दाई ओर है परम सुंदरी मोहिनी देवी, आइए। सौंदर्य और बुद्धिमता का अद्भुत संगम, ये एक अत्यंत ही मनोहारी, हमारा कहने का तात्पर्य है अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य द्वंद्व होगा। आज का ये दिवस विजयनगर के इतिहास में अंकित किया जाएगा। हम राजपुरोहित तथाचार्य इस शास्त्रार्थ के तटस्थ मध्यस्थ, महाराज श्री कृष्णदेव राय की आज्ञा से इस शास्त्रार्थ के नियम हम सबको बताते हैं। इस शास्त्रार्थ में दो पक्ष हैं। एक पक्ष अपने विपक्षी पक्ष से प्रश्न पूछेगा, यदि विपक्षी पक्ष ने निर्धारित समय में उत्तर नहीं दिया तो वो हार जाएगा, और यदि उसने सही उत्तर दिया तो उसे और प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर उससे 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यदि उसने 9 के 9 प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया तो उत्तर देने वाला प्रश्न पूछने वाले पक्ष से 9 प्रश्न करेगा और समय बताएगा ये रेत का पात्र। मनी, ये बुड्ढा तो खुद को तटस्थ बता रहा है। अवश्य इस बुढ़ो के मन में कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। अब चूंकि मोहिनी देवी हमारे राज्य की अतिथि हैं, तो राज्य की मर्यादा के अनुरूप प्रश्न पूछने का प्रथम अवसर मोहिनी देवी को ही मिलना चाहिए, और पंडित रामकृष्णा समय सीमा में उत्तर देंगे। महाराज, क्योंकि हमने पंडित रामकृष्ण को चुनौती दी है, इसीलिए हम इस ज्ञान के प्रतिस्पर्धा से सहमत हैं, जो आचार्य तथाचार्य ने घोषित किए हैं। तो प्रतिस्पर्धा के निर्देश सभी को स्पष्ट। सर्वप्रथम मोहिनी देवी प्रश्न पूछेंगी, और यदि पंडित रामकृष्ण किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सफल नहीं हुए तो शास्त्रार्थ वहीं पर समाप्त हो जाएगा और मोहिनी देवी को विजयी घोषित किया जाएगा। पंडित रामकृष्णा, महाराज श्री कृष्णदेव राय ने संपूर्ण विश्वास के साथ आपको यह दायित्व सौंपा है, और हमें विश्वास है कि आप महाराज को लज्जित नहीं होने देंगे। महाराज विजेता वही होगा
जो योग्य होगा। हम दोनों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हे माँ, हमारे पति की इस बला से रक्षा करिए, यही विजय हो। आचार्य वर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रतिस्पर्धा आरंभ कीजिए। जी महाराज। पंडित रामाकृष्ण, हमारा प्रथम प्रश्न। एक 10 वर्ष की बालिका एक गेंद को पैर से मारती है, वो गेंद 10 गज दूर जाकर उसी के पास वापस आ जाती है, कैसे? ये कैसा प्रश्न है? गेंद के पैर थोड़ी ना होते हैं जो वो लौट कर आ जाए। दस गज से नहीं, हाँ 5 गज है तो गेंद वापस आ सकती है। महारानी, उस बालिका ने गेंद को अपने पैरों से आकाश की ओर मारा है। पैरों से मारने के कारण गेंद आकाश की ओर गई अवश्य है, परंतु धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वापस उसी के पास आकर गिरी है। सटीक जवाब। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, बहुत खूब पंडित रामकृष्ण। अब हमारा द्वितीय प्रश्न। भानु पिता है भव्य का, किंतु भव्य भानु के पुत्र नहीं है, कैसे? ये प्रश्न ही गलत है। पिता है तो पुत्र होगा, पुत्र है तो पिता होगा। महारानी, गुरुजी, गुरुजी, क्या पिता पुत्र हो रहा है? आप कुछ समझे कि नहीं? हमारा नहीं, पंडित रामकृष्ण का समझना आवश्यक है। भानु और भव्य पिता और पुत्री हैं। भानु भव्य का पिता है, परंतु भव्य भानु का पुत्र नहीं, पुत्री है। अद्भुत। अति उत्तम पंडित, अति उत्तम। साधो साधो। पंडित रामकृष्ण, अब हमारे तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। वो क्या है जो ऊपर जाती है, नीचे भी आती है, परंतु हिलती नहीं है? ये कैसा प्रश्न है? ये प्रश्न भी गलत है। यदि कोई ऊपर और नीचे जाता है तो हिलेगा कैसे? नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
वो सीढ़ियां हैं जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, परंतु अपनी जगह से हिलती नहीं है। सटीक जवाब। ये कैसे संभव है कि एक मनुष्य 8 दिन तक निद्रा नहीं लेता? अब उड़ेंगे पंडित रामकृष्ण के मस्तिष्क के तोते। 8 दिन बिना निद्रा के रहेगा तो मनुष्य मर जाएगा। ये कैसा प्रश्न है? मनुष्य रात्रि में विश्राम करके निद्रा लेता है, इसीलिए दिन में जागता है। अतः वो 8 दिन तक दिन में निद्रा नहीं लेता, अतः वो 8 दिन तक जाग सकता है। बहुत खूब। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण तो 4 प्रश्नों के उत्तर भी दे चुके हैं। 5वां प्रश्न वो क्या है जो आपका है किंतु आपसे अधिक आपके मित्र और परिचित उसका उपयोग करते हैं? नाम, वो नाम है जो मेरे मित्र और परिचित अधिक उपयोग करते हैं। सही जवाब। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आप सचमुच चतुर हैं। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर मूर नहीं, बांधती है पर डोर नहीं, बताइए। मणि, ये तो अत्यंत कठिन प्रश्न है। देखना, अब पंडित रामकृष्ण मोहिनी का सेवक बनेगा। क्या हो सकता है? हमें ज्ञात नहीं। दुपट्टा, दुपट्टा। जल्दी कर रामा, जल्दी कर। जवाब दीजिए, समय निकला जा रहा है। चोटी, चोटी, चोटी। हाँ तो चोटी ही तो है, हमारी चोटी है। परंतु आपका समय समाप्त हो गया पंडित रामकृष्णा, परास्त हो गया। उत्तर नहीं दे पाए। विजयनगर का नाम धूमिल कर दिया आपने। अब
उत्तर है चोटी, है ना? चोटी। सही जवाब। पंडित रामाकृष्ण, किंतु हमारे अंतिम तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वो क्या है? जो दृष्टिहीन है, जो न बोल सकता है न सुन सकता है, परंतु सदैव सत्य कहता है। ये तो प्रश्न ही गलत है। जो बोल ही नहीं सकता वो सत्य कैसे कहेगा? पंडित रामकृष्णा, अब केवल इतना ही समय बचा है, प्रश्न का उत्तर दो। पंडित रामकृष्ण जवाब दीजिए, समय निकला जा रहा है। दर्पण, दर्पण। वो दर्पण है जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, परंतु हमेशा सत्य बोलता है। पंडित रामकृष्ण अति उत्तम, आप सचमुच बहुत चतुर हैं। केवल अंतिम दो प्रश्न, मोहिनी गई, दुर्भाग्य हमारे। पंडित रामकृष्ण सर्वनाश हो तेरा। यह अष्टम प्रश्न है, निश्चित ही सामान्य नहीं होगा। पंडित रामकृष्ण, और विजयनगर का सम्मान आपकी बुद्धि चातुर्य पर निर्भर है। अवश्य गुरुवर, अवश्य। हमें पूर्ण विश्वास है पंडित रामकृष्ण पर। धन्यवाद महाराज। यही तो हमारा दुर्भाग्य होगा। पंडित रामकृष्ण, आप इनमें से केवल एक पात्र को स्पर्श कर सकते हैं, और वो भी केवल एक बार, और इन पात्रों को इस क्रम में सजाना है कि एक भरे पात्र के पास एक खाली पात्र हो। ये तो आसान है। दूसरे पात्र को चौथे के स्थान पर रखो और चौथे पात्र को दूसरे के स्थान पर। ऐसे तो वो दोनों पात्रों को छू लेंगे ना? हाँ, ये प्रश्न तो पक्का गलत है, ऐसा तो संभव ही नहीं है।
चंडी देवी, अब आपके पास मात्र एक ही प्रश्न शेष है। पंडित रामकृष्ण, हमारा नौवा एवं अंतिम प्रश्न ये रहा, वो कौन सा प्राणी है जो प्रातःकाल चार पैरों से, दोपहर पश्चात दो पैरों से, संध्या काल में तीन पैरों से और रात्रि में बिना किसी पैर से चलता है? शांत हो जाइए सब, शांत रहो, चुप। पंडित रामकृष्ण उत्तर दीजिए। पंडित रामकृष्ण जवाब दीजिए। पंडित रामकृष्ण कुछ तो बोलिए। पंडित रामकृष्ण शीघ्र कीजिए। समय समाप्त हुआ महाराज, समय समाप्त हुआ। पंडित रामकृष्ण आप पराजित हो गए। पंडित रामकृष्ण, उत्तर है मनुष्य का जीवन दिन के पहर मनुष्य के जीवन को दर्शाते हैं। प्रातःकाल अर्थात बालवस्था, उस समय मनुष्य चार पैरों के बल चलता है अर्थात घुटनों के बल। दोपहर अर्थात युवावस्था, उस समय मनुष्य दो पैरों के बल चलता है। संध्या काल अर्थात वृद्धावस्था, उस समय मनुष्य तीन पैरों के बल चलता है अर्थात दो पैर और लाठी के सहारे, और रात्रि अर्थात मृत्यु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य को पैरों की आवश्यकता ही नहीं होती। हमें अत्यंत खेद के साथ घोषणा करनी पड़ रही है कि पंडित रामकृष्ण पराजित हो गए। हे भगवान, ये पराजित कैसे हो गए? और विजयी हुई हैं मोहिनी देवी। तो अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि पंडित रामकृष्ण को मोहिनी देवी की दासता स्वीकार करनी होगी। पंडित रामकृष्ण, महाराज श्री कृष्णदेव राय ने आप पर विश्वास किया और आप महाराज के विश्वास पर खरे नहीं उतरे, अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाया। अब पंडित रामकृष्ण भी मोहिनी देवी के दास हो गए हैं। अब इन्हें भी मोहिनी देवी की पालकी उठानी होगी। महाराज, 41 दिवस व्यतीत होने पर भी पंडित रामकृष्ण नगर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी।
हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित रामाकृष्ण स्वयं नगर में और दरबार में नहीं आना चाहेंगे। और हाँ महाराज, हमें भी इन्हें विवश नहीं करना चाहिए कि अपने सलाहकार के पद पर बने रहें, और यही इनके स्वाभिमान के लिए उचित होगा। हमें इनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए महाराज, और नगर के बाहर कहीं कुटिया बनाकर इनके रहने का प्रबंध कर देना चाहिए। पंडित रामाकृष्णा, हमारी और समस्त विजयनगर की सहानुभूति आपके साथ है। हमने इस विश्व के अनेक विद्वान पंडितों को परास्त किया है, किंतु हमें इतनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई जितनी पंडित रामाकृष्ण को परास्त करके हुई। अब और आनंद आएगा जब आप हमारी पालकी उठाएंगे। हम आपको समुचित आदर भी देंगे, आपका ध्यान भी रखेंगे, और आपको हमारी पालकी को आगे से उठाने का अवसर देकर सम्मानित भी करेंगे, ताकि हमारे पैर आपके मुख के पास रहे और हमें परम आनंद की प्राप्ति हो। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, रहने दो अम्मा नहीं, शांत हो जाओ। अच्छा, तो ये है हमारे चतुर विद्वान पंडित रामाकृष्ण की माँ। हमने सुना है आपके सर पर हमेशा आपकी माँ का आशीष रहता है, किंतु हम थोड़े आश्चर्यचकित है ये सोचकर कि किस माँ का, काली माँ का या इस गूंगी माँ का। देवी, ये लीजिए आपकी विद्वता का पुरस्कार, आप इसकी अधिकारिणी हैं। पंडित रामाकृष्ण आपको स्मरण करा दे कि आज से आप हमारे दास हैं और हम आपकी स्वामिनी। अभी भी खड़े हैं? आपको दिख नहीं रहा है कि ये थाल हम स्वयं पकड़कर खड़े हैं? उचित यही होगा कि आप ये थाल लेकर पालकी में जाकर रख दें।
मोहिनी देवी, अब आपकी प्रतिस्पर्धा केवल पंडित रामकृष्ण से नहीं अपितु तो विजयनगर के राजा राजा कृष्णदेव राय से। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? कहने का तात्पर्य यह है कि यह शास्त्रार्थ अभी समाप्त नहीं हुआ है देवी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? नियमा अनुसार पंडित रामकृष्ण पराजित हुए। नहीं गुरुवर, ये प्रतिस्पर्धा उचित नहीं है। प्रश्न पूछने का समान अवसर पंडित रामकृष्ण को भी मिलना चाहिए गुरुवार। किंतु महाराज, शास्त्रार्थ के नियम तो प्रारंभ में ही निर्धारित हुए थे। उसके अनुसार यदि पंडित रामकृष्ण उत्तर नहीं दे पाए तो वो पराजित होंगे और हम विजयी। नियम वही जो हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं मोहिनी देवी। महाराज, हमने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी कि आप एक महान राजा हैं, निष्पक्ष हैं। किंतु आज जब आपके ज्ञान जैसे ही एक स्त्री से पराजित हो गए, आप भी पक्षपाती हो गए। हमें पक्षपाती कहने का दुस्साहस। मोहिनी देवी, हम आपके स्त्री होने का मान कर रहे हैं, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की त्रुटि ना करें आप। कृष्णदेव राय अपने न्याय और धर्म के पालन हेतु प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्य के दक्षिण में 5 शक्तिशाली राज्य हैं और उत्तर में सुल्तान बाबर। परंतु आज तक हम अपने राज्य की सुरक्षा करने में सफल हुए हैं। उसका कारण यह नहीं कि हम वीर हैं, उसका कारण है हमारे प्रजा का आशीर्वाद, उनका सहयोग, वो विश्वास है जो हमारे समस्त सभासद, हमारे मंत्रीगण और हमारी प्रजा ने हम पर किया है। हमें पक्षपाती कहने का दुस्साहस, ये त्रुटि ना करें आप। हर प्रतिस्पर्धा में दोनों प्रतियोगियों को समान अधिकार दिए जाते हैं। ये भी एक प्रतिस्पर्धा है तो दोनों प्रतिस्पर्धियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। ये हमारा निर्णय है। हम पंडित रामकृष्ण की पराजय को स्वीकार नहीं करते हैं। पंडित रामकृष्ण मोहिनी देवी से प्रश्न पूछेंगे और मोहिनी देवी उन प्रश्नों के उत्तर देंगी। उसके पश्चात ये तय होगा कि विजयी कौन होगा। परंतु आपने अपना पक्ष नियम निर्धारित होते समय क्यों नहीं रखा? किंतु आप चिंता ना करें, हमें अभी भी आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मनी, तो देखना ये स्त्री पालकी पर नहीं फांसी पर पड़ेगी। सत्य वचन। परंतु आप नियम परिवर्तित करना चाहते हैं तो पुरस्कार भी परिवर्तित होने चाहिए। यदि पंडित रामकृष्ण पुनः पराजित हो गए तो हमें क्या मिलेगा? यदि आपने पंडित रामकृष्ण को पराजित कर दिया तो हम राजा कृष्णदेव राय स्वयं अपने हाथों से अपनी पगड़ी आपके चरणों में रख देंगे। मंत्रीवर। महाराज, परंतु ये सब हमारा निर्णय अटल है मंत्रीवर। महाराज, आपका सम्मान इस प्रतिस्पर्धा से गुरुवार आज नहीं।
समस्या उत्पन्न हो गई। किंतु हमारी एक विनती है, हमारी विनती ये है कि हम चाहते हैं कि ये द्वंद पूरे विजयनगर के समक्ष हो। हम ये घोषणा करते हैं कि कल प्रातःकाल संपूर्ण विजयनगर के नागरिकों के समक्ष ये प्रतिस्पर्धा होगी, जहां पंडित रामकृष्ण मोहिनी देवी से प्रश्न पूछेंगे और आप मोहिनी देवी उनके उत्तर देकर अपनी बुद्धिमता प्रमाणित करेंगे। सभा समाप्त। कल का दिन विजयनगर के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन हो। कल महाराज श्री कृष्ण देव राय की पगड़ी हमारे चरणों में हो और आप पंडित रामकृष्ण आप बनेंगे हमारे दास, आजीवन दास। द्वार खोलिए गुरुजी, शीघ्र खोलिए। हमें कहीं नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। गुरुजी उठिए, सुनिए, मुख्य द्वार पर कौन आ गया? मुख्य द्वार? मैं जाके देखता हूँ। नहीं नहीं, मत खोलना, कदापि मत खोलना। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज ने सैनिक भेजे, वो हमें पकड़ कर फांसी पर चढ़ा देंगे, हमें फांसी पर नहीं चढ़ना। कदापि मत खोलना, कदापि कदापि मत खोलना। धनी मनी। अब समझ में आया कि वो आप मरे हुए सर की बात ही कोने में दबक के बैठे हुए थे। हमारे गुरुजी इसलिए भयभीत थे, इन्हें लग रहा है महाराज को सब पता चल गया है, मोहिनी के इस षड्यंत्र में हमारे गुरुजी भी शामिल हैं और महाराज इनके अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। राम नाम सत्य जी। गुरुजी क्यों होते हैं? जो भी होगा हम उसे द्वार पे ही रोक लेंगे, अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। चा, चा। आप यहाँ रुकिए, यहीं पे क्या चाहती हैं आप? रुकिए, मैंने कहा ना आप यहाँ पे रुक जाइए, अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं आप। कहाँ है आचार्य तथाचार्य? कहाँ है आप? कहाँ है वो? हमारे गुरुजी ने स्वयं कहा है वो अंदर नहीं है, वो छुप गए हमारे गुरुजी। क्या तात्पर्य आपका, वो छुप गए? किन मूर्खों को हमने अपना शिष्य बना लिया है? हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे गुरुजी ध्यान मग्न हैं, उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। अपने छुपे हुए आचार्य को कह दीजिएगा कि हम जा रहे हैं, अब वापस भी नहीं आएंगे, शायद कभी भेंट भी नहीं होगी। चल। हे भगवान, बच गए। हमने सुना है आपके सर पर हमेशा आपकी माँ का आशीष रहता है। किस माँ का? काली माँ का या इस गूंगी माँ का? आपने पंडित रामकृष्ण को पराजित कर दिया तो हम राजा कृष्णदेव राय स्वयं अपने हाथों से अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखेंगे। उठा लो, भगवान से कह रहे, भगवान हमें उठा लो। अब क्या हुआ? हमारी वजह से इनका अपमान हुआ, इन्होंने कहा था कि हमारी वजह से ये हार जाएंगे। मैंने बस तुम्हें क्रोध में कह दिया था। ये सब आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं, ना हम आपको परेशान करते और ना ये सब होता। हमारी त्रुटि है, हमें आपके अध्ययन में बाधा नहीं डालना चाहिए था। अम्मा पुनः कीजिए,
हमारे नेत्रों में आंसुओं के कारण हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अले अम्मा के लिए अभी कौन सा तेल कलर दे लिया? अच्छा बस करो, चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। हाँ क्षमा किया अर्थात हमसे भूल हुई है, आपने हमें क्षमा कर दिया, आप कितने अच्छे हैं, हम ही दुष्ट हैं। अम्मा को भी हमारे कारण उस मोहिनी से कितने अपशब्द सुनने पड़े, अम्मा हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हारे लिए चिंतित है इसलिए ऐसा कर रही है, तू इसकी चिंता मत कर, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम मंदिर जाओ, अध्ययन करो, वहाँ शांति होगी। शांति? कौन शांति? हाँ वातावरण शांत होगा। अच्छा, अच्छे से अध्ययन कर पाओगे, माँ काली का आशीर्वाद होगा। दायित्व सौंप दिया आपने महाराज, अपना सम्मान, अपनी पगड़ी, सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो भी मेरे लिए। इस तरह एकाकी बैठकर तैयारी संभव नहीं है माँ, कोई साथ होता तो कार्य सरल हो जाता। पंडित रामकृष्ण, आप यहां इस समय? जय मां काली। हमें याद है पंडित रामकृष्ण के आज राज दरबार में जो कुछ भी घटित हुआ उसके पश्चात आपका ध्यान केंद्रित करना आपके लिए संभवतः कठिन होगा, अतः आपकी सहायता करने चले आए हैं। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, आज दरबार में पराजित होकर मैं आपको इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ले आया हूँ। पंडित रामकृष्ण, हम भली भांति जानते हैं कि आप कितने सक्षम हैं, हमने कभी भी एक क्षण के लिए भी आपकी योग्यता पर संदेह नहीं किया है, आप हमारा अभिमान है, आप परास्त नहीं हुए, अभी तो वो प्रतिस्पर्धा अनुचित थी। तो महाराज यदि मैं कल भी पराजित हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। असंभव पंडित रामकृष्ण, असंभव। जिस प्रकार एक गुणी स्वर्णकार को अपने रत्नों की परख होती है ठीक उसी प्रकार एक राजा अपनी समस्त प्रजा में से अपने रत्न को खोज निकालता है, उसे परख होती है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है पंडित रामकृष्ण। परंतु महाराज वो मोहिनी वो अत्यंत चतुर है। निश्चिंत रहिए और स्मरण रहे हर चमकदार वस्तु स्वर्ण नहीं होती, मोहिनी भी नहीं, और यही आपको कल दरबार में सिद्ध करना है पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं, परंतु यदि हमारी यहां पर उपस्थिति आपके ध्यान केंद्रित करने में बाधा है तो हम यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। नहीं महाराज ऐसा नहीं है, आपकी उपस्थिति से तो मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा है। आप बैठिए ना, मैं कहां बैठाऊं आपको? बैठे महाराज। पंडित रामकृष्ण, हम सम्मानित हैं।
आपकी सहायता और माँ के आशीर्वाद से कल मैं ही विजेता बनूंगा। साधो, साधो, अभ्यास प्रारंभ करें। हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लोग आ गए। पंडित रामकृष्ण कहाँ है? प्रणाम मंत्रीवर, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम मोहिनी देवी। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शास्त्रार्थ आरंभ किया जाए। महाराज, जिस प्रकार मोहिनी देवी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पंडित रामकृष्णा के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी, ठीक वैसे ही पंडित रामकृष्णा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मोहिनी देवी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। पंडित रामकृष्णा, प्रश्नोत्तर आरंभ कीजिए। मोहिनी देवी, मेरा प्रथम प्रश्न है, मैं जितना अधिक बढ़ता जाता हूँ उतना कम आप मुझे देख पाते हो, मैं क्या हूँ? उत्तर है अंधकार। सत्य है। अब मेरा द्वितीय प्रश्न, वो क्या है जिसका नाम पुकारते ही वो लुप्त हो जाता है?
पुनः प्रश्न करें। वो क्या है जिसका नाम पुकारते ही वो लुप्त हो जाता है? ये कैसा प्रश्न है? विश्व में ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरुवर, आपका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं? रामा का नाम लेते लुप्त हो जाता है। इसका उत्तर हमें ज्ञात नहीं है। उत्तर है मौन, अर्थात शांति। ये पंडित रामा कृष्णा तो विजयी हो गया। शांति? परंतु ये कैसा प्रश्न हुआ? आप जैसे ही शांति बोलेंगे शांति भंग हो जाएगी। हमें तो पता था, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। पंडित रामा कृष्णा, अद्भुत। क्यों मोहिनी देवी आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई, अर्थात आप परास्त हो गई? आपको स्वीकार है पराजय? प्रभु क्षमा करें, परंतु मेरे विचार से मोहिनी देवी को एक अवसर और देना चाहिए। मैं भी इनके अंतिम प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहा था। अत्यंत निष्पक्ष कथन है पंडित रामकृष्ण आपका। मोहिनी देवी, ये अवसर मत खोना। पंडित रामकृष्ण, तुमने स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, अब देखना मैं क्या करती हूँ। अब मोहिनी देवी, आपके पास 7 प्रश्न शेष हैं। इनमें से यदि एक भी प्रश्न का उत्तर देने में आप असमर्थ रही तो आप पराजित घोषित कर दी जाएंगी। मोहिनी देवी, मेरा 3रा प्रश्न है, मुझे भोजन दोगे तो मैं जीवित रहूंगी, मुझे जल दोगे तो मैं मृत हो जाऊंगी, बताओ मैं कौन हूं? इसका उत्तर भी हमें ज्ञात नहीं है। उत्तर है अग्नि। अग्नि में यदि सूखी टहनी, घास, पत्ते, लकड़ियां डाली जाए तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, परंतु यदि जल डाला जाए तो वो मृत हो जाती है। महाराज, अब देखा जाए तो मोहिनी देवी मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रही हैं, अतः विजेता मैं ही हूँ। क्यों गुरुवर, सत्य कहा ना मैंने? हाँ, सत्य सत्य, आपका कथन सत्य है। पंडित रामकृष्णा विजयी हुए और हमारा कहने का तात्पर्य है कि मोहिनी देवी। गुरुवर, मोहिनी देवी हमारी अतिथि हैं, इतने निर्दयी ना हो। आप कहना क्या चाहते हैं पंडित रामकृष्णा? हमें हमारी अतिथि को एक अवसर और देना चाहिए। हाँ, अवश्य अवश्य, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। महाराज, उचित कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण। मोहिनी देवी को एक और अवसर दे दिया जाए। एक और अवसर? घर चलने दो इसे, तमाम तुमके हाथ में दे दूंगी। मोहिनी देवी, अब जो प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उसका उत्तर आपके आसपास ही है, यहीं इसी जगह। मेरे शरीर के 2 भाग हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जितना स्थिर रहूं उतनी ही तीव्र गति से भागूं, बताओ मैं कौन? हमें इसका भी उत्तर ज्ञात नहीं है, क्योंकि आप प्रश्न ही विचित्र पूछ रहे हैं। आ!
पंडित रामाकृष्णा, आपने कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर राज्यसभा में है, तो हम भी जानना चाहते हैं कि उत्तर क्या है। गुरुवर, इस प्रश्न का उत्तर ठीक आपके पास ही रखा हुआ है, वो रेत घड़ी। उत्तर हमारे समक्ष था और हमें ही ज्ञात नहीं हुआ। तो पंडित रामकृष्णा इस स्पर्धा के विजेता है, क्योंकि पंडित रामकृष्णा ने 9 में से 8 प्रश्नों का उत्तर दिया था और मोहिनी देवी पंडित रामकृष्ण के 4 प्रश्नों में से केवल 1 का उत्तर दे पाई है। तो पंडित रामकृष्णा पूर्ण रूप से स्पष्ट विजेता है। रामकृष्णा जानबूझकर उत्पटांग प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनके जवाब केवल इन्हीं के पास है। इस प्रकार तो कोई भी प्रश्न पूछकर विजेता बन सकता है। तो फिर आपको भी तो विजेता घोषित करना अनुचित था मोहिनी देवी, क्योंकि आपने भी जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर केवल आपको ज्ञात थे। फिर ये कैसे संभव है कि आप सही और मैं नहीं? ये क्या न्याय हुआ? मैं पराजित कैसे हुआ? मोहिनी देवी, आपने एक सीधे साधे प्रतिस्पर्धी के विरुद्ध चाल चली, इसमें आपकी विद्वता कैसे सिद्ध होती है? चलिए, मैं आपको एक अवसर और देता हूं, एकदम निष्पक्षता से, और यदि इस बार भी आप विजयी रहे तो मैं सदैव के लिए आपका दास बन जाऊंगा। आपको अपनी बुद्धिमता प्रमाणित करनी है ना, तो एक निष्पक्ष स्पर्धा होगी। यहां उपस्थित हर कोई एक एक प्रश्न पूछेगा और हम दोनों में से जो भी उन प्रश्नों के उत्तर पहले देगा वही विजेता होगा। यह स्पर्धा स्पष्ट करेगी कि किसको कितना ज्ञान है। कोई भी हम दोनों प्रतिस्पर्धी का पक्ष लेकर हम दोनों से सरल प्रश्न नहीं पूछेगा और दोनों को समान अवसर होगा अपनी बुद्धिमता स्थापित करने का। क्या मुझे महाराज की अनुमति है? अवश्य मंत्रीवर। जी वाह, ये घंटी दोनों को दे दी जाए। प्रश्न पूछने के पश्चात जो भी सबसे पहले ये घंटी बजाएगा उसे उस प्रश्न के उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा। कहिए मोहिनी देवी, क्या आप इस स्पर्धा से सहमत हैं या अपनी पराजय स्वीकार करती हैं? कदापि नहीं, इस बार हम आपको अवश्य ही परास्त करेंगे। परंतु मेरी एक शर्त है, इस स्पर्धा में महाराज का सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होगा, ये केवल हमारे मध्य होगी। ये एक अवसर है आपको अपनी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने का। उचित है, ये अब केवल हमारे और आपके मध्य है। मंत्रीवर, सर्वप्रथम आप इनसे प्रश्न पूछिए। लोग सदैव मेरी अपेक्षा करते हैं किंतु सामना करने से कतराते हैं, मैं कौन हूं? उत्तर है सत्य। आपका उत्तर सही है। आचार्य वर, अगला प्रश्न आप पूछिए। जी, वो ऐसा कौन सा जाल है जिसमें मनुष्य ना चाहते हुए भी फंस जाता है? जाल गुरुवर। सही है। अम्मा जी, अगला प्रश्न
आप पूछिए। वो क्या है जिसे बिना छुए तोड़ा जा सकता है? वचन। साधो साधो पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण दो उत्तर दे चुके हैं और मोहिनी देवी केवल एक। शारदा देवी आप भी प्रश्न पूछिए। वो क्या है जो दिन भर आपके साथ रहता है और कभी आपका साथ नहीं छोड़ता? उत्तर है छाया। आपकी प्रति छाया कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। सही उत्तर। अब हमारी महारानियों को भी अवसर मिलना चाहिए प्रश्न पूछने का। वह कौन सा शब्द है जिसका उच्चारण सदैव ही गलत होता है? गलत? आपका तात्पर्य है कि प्रश्न गलत है, महारानी गलत है? अरे नहीं नहीं गुरुवर, प्रश्न में ही उत्तर निहित है। इस प्रश्न का उत्तर है गलत। हमें उचित उत्तर चाहिए। पंडित रामकृष्ण ठीक कह रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर गलत है, क्योंकि गलत एकमात्र शब्द है जिसका उच्चारण भी गलत ही होगा। जी 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 महाराज। पंडित रामकृष्ण सही उत्तर है। पंडित रामकृष्ण के अंक हो गए हैं चार और मोहिनी देवी का एक। महाराज अब आप भी प्रश्न कीजिए। नहीं, हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि गत रात्रि हम पंडित रामकृष्ण के साथ थे, स्पर्धा के अभ्यास के लिए उनकी सहायता कर रहे थे, अतः हमारा प्रश्न पूछना अनुचित होगा। अब इस स्पर्धा के अंक चार की तुलना में एक हो गए जो पंडित रामकृष्ण के पक्ष में, तो अब इस स्पर्धा को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित रामकृष्ण स्पष्ट रूप से विजेता है। नहीं मानते, ये निष्पक्ष है ही नहीं। यहाँ उपस्थित सभी पंडित रामकृष्ण को जानते हैं, उसके साथ ही रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो उन्हें नहीं जानता हो वो प्रश्न करे और उसका उत्तर हम नहीं दे पाए तो ही हम अपनी पराजय स्वीकार करेंगे। मैं आपको एक अवसर और देता हूं, एक और प्रश्न पूछा जाएगा और यदि मोहिनी देवी ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया और मैंने नहीं दिया तो मैं तुरंत अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और यहीं झुककर मोहिनी देवी के पांव छूकर उनकी दास्ता भी। और जो व्यक्ति प्रश्न करेगा वो ना तो विजयनगर के दरबार का सदस्य होगा और ना ही मेरे परिवार का। महाराज मेरा आपसे निवेदन है कि ये स्पर्धा स्वस्थ स्पर्धा तभी होगी जब वो आठ पंडित जो मोहिनी देवी की पालकी उठाते हैं उनमें से कोई एक प्रश्न करे। यदि मोहिनी देवी ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और ये मोहिनी देवी के लिए अंतिम अवसर होगा। ये तो पंडित रामकृष्ण ने स्वयं अपनी चिता तैयार कर ली है। विजयी हो गए थे, अब अपनी बुद्धि लगाकर पराजित होंगे। स्वीकार है। सायकाल के उपरांत महापंडितों को प्रश्न के लिए उपस्थित किया जाएगा। ऐसी वो कौन सी तीन वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, जीव जंतु में भी नहीं? महाराज
बौद्धिक शक्ति, कल्पना शक्ति और वाणी शक्ति। पंडित रामकृष्ण, आपका उत्तर सही है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। शांत शांत हो जाइए। मोहिनी देवी, आप पराजित हो चुकी हैं। आप पंडित रामा को अपना दास बनाना चाहती थी, परंतु अब पंडित रामकृष्ण आपको उचित दंड देंगे। मोहिनी देवी, आज तक आपने अपनी बुद्धिमता के नाम पर इन विद्वानों को मूर्ख बनाया। समस्त राज्यों के इन विद्वानों से आपने केवल वो प्रश्न किए जिनके उत्तर आपको ज्ञात थे, और कपट से इन्हें अपना दास बना लिया। जो कि आप इन आचार्य के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई हैं, तो अब आपको कोई अधिकार नहीं है इन्हें अपना दास बनाने का। सत्य वचन, 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 सत्य वचन। स्मरण रहे, इस संसार में उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं जो ये सोचता है कि उसे संसार का समस्त ज्ञान प्राप्त है। एक साधारण सी अज्ञानी चिड़िया भी आकाश में उड़ सकती है, परंतु सारे ज्ञानी मनुष्य क्यों इस धरती पर चलने को विवश हैं? आपने कहा था ना कि प्रेम नवरस है। आज मैं आपसे कहता हूं मोहिनी देवी कि आपका उत्तर अनुचित था। मैं बताता हूं प्रेम क्या है। महाराज, प्रेम तो वो भावना है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को बिना किसी परिणाम के, बिना कोई फल प्राप्ति की कामना किए सुख देते हैं, आनंद देते हैं, खुशी देते हैं। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, जिसके भी प्रति हो, उसमें स्वार्थ निहित होता है। यहाँ तक कि एक माता भी अपने पुत्र को प्रेम करती है, उसमें भी स्वार्थ छिपा रहता है। वो भी कहीं ना कहीं ये कामना करती है कि उसका पुत्र वृद्धावस्था में उसकी सेवा करेगा या कोई और। उचित एवं आदर्श प्रेम उससे होता है, उस ईश्वर से, माँ काली से, जिसे हम केवल कष्ट में स्मरण करते हैं, जिसकी पूजा भी करते हैं तो किसी कामना से, परंतु वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना हमसे कोई अपेक्षा किए हमें सब कुछ प्रदान करती है। वो है असली प्रेम महाराज, जो मुझे मेरी माँ काली से प्राप्त हुआ है। गुरुवर, आज तो मैंने महाराज और विजयनगर को लज्जित नहीं किया ना? साधु, 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 साधु। पंडित रामकृष्ण, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, केवल इसलिए नहीं कि आप ये स्पर्धा जीत चुके हैं, अब तो इसलिए कि आपने सभी को प्रेम का अर्थ समझाया और आपने विजयनगर की गरिमा को भी संभाला। देवी मोहिनी, आप में ना ही बौद्धिक शक्ति है ना ही कल्पना शक्ति, क्योंकि आप कल्पना ही नहीं कर पाई कि इतने विद्वान ज्ञानियों को बंदी बनाकर, इनकी वाणी शक्ति छीनकर आपने कितना विशाल अपराध किया है। आपको अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड है ना? तो आज दंड स्वरूप मैं आपसे नारी के रूप की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु छीनता हूं। आपके केश, हमें क्षमा करते,
इस प्रकार दंड देकर हमें लज्जित ना करे। केश केवल स्त्री के सौंदर्य का प्रतीक नहीं होता, परंतु उसके सम्मान के लिए भी होता है। मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरे संस्कार इतने अल्प हैं कि तुम एक स्त्री का सम्मान भी नहीं कर पाए। अगर तुम मेरे पुत्र हो तो मोहिनी देवी को दंड से मुक्त कर दो और उसे क्षमा कर दो। देखा मोहिनी देवी, ये माँ है, एक स्त्री है जिसका आपने अपमान किया था, लेकिन आज ये आप ही के सम्मान के लिए अपने पुत्र के विरुद्ध खड़ी है। हमें क्षमा कर दे माँ, हमसे बड़ी भूल हो गई। पंडित रामकृष्ण, आज आपके कारण ये सारे पंडित भी मुक्त हुए। मोहिनी देवी, आपको क्षमा तब मिलेगी जब आप इन विद्वान पंडितों की दासता स्वीकार करके उतने ही दिवस इनकी सेवा करेंगी जितने दिवस इन सबसे सेवा करवाई है। हमें स्वीकार है और आप भी हमें क्षमा कर दे। आने में विलंब क्यों हुआ? धनी कहाँ है? गुरुजी धनी नहीं है। मतलब कि धनी अब हमारे साथ विजयनगर में नहीं है। धनी विजयनगर में नहीं है, क्या मतलब है इसका? गुरुजी, जब कल हम घर जा रहे थे तो एक स्वान ने हमारा रास्ता रोका, तो धनी ने उसे पत्थर मारा और उस स्वान ने धनी को काट लिया। ना जाने कहाँ कहाँ काटा, यहाँ काटा वहाँ काटा, इसलिए मैं धनी को उसके घर उसकी माँ के यहाँ छोड़कर आया हूँ। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 मंत्रीवर। महाराज, रात दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, बेलमकोंडा ग्राम से पधारे मान्यवर प्रसन्ना आपसे भेंट करना चाहते हैं। अवश्य, सम्मान उन्हें आमंत्रित किया जाए। महाराज। महाराज प्रणाम। प्रणाम महाराज। क्या समस्या है आपकी? महाराज, मैं एक अत्यंत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ महाराज। इतना दरिद्र कि दरिद्र भी मुझे दरिद्र बोलकर भिक्षा देकर चला जाता है। मंत्रीवर। महाराज, इन महोदय को राजकोष से धन दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, धन मेरी समस्या नहीं है महाराज। तो आपकी समस्या क्या है? महाराज, मेरी एक रूपवान गुणवान लज्जाशील पुत्री है सुप्रिया। आपकी पुत्री आपकी समस्या है? नहीं नहीं महाराज, पुत्री मेरी समस्या नहीं है, मुझे उसका विवाह करना है। निश्चिंत होकर करवाइए विवाह, निश्चिंत होकर करवाइए। इस विवाह की सारी व्यवस्था एवं व्यय राजकोष से दिया जाएगा। पुत्री का विवाह समस्या नहीं हो सकती। महाराज, मैं एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ महाराज। इतना दरिद्र कि दरिद्र भी दरिद्र कहकर मेरे हाथ में भिक्षा रखकर चला जाता है महाराज। परंतु मेरी पुत्री के विवाह में व्यय समस्या नहीं है महाराज। तो आपकी समस्या क्या है महोदय? महाराज, मेरी समस्या है ये दो नवयुवक श्रीनाथ और प्रसाद। महाराज, श्रीनाथ मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त वर है। श्रीनाथ बलवान है, गुणवान है, लक्ष्यशील है और धनवान भी है, परंतु ये प्रसाद ना ही बलवान है, ना ही रूपवान है और ना ही धनवान है। मैं इस दुविधा में फंसा हूँ महाराज, इन दोनों नवयुवकों में से मैं किसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूँ? इसका निर्णय तो आपकी पुत्री को लेना चाहिए और आपको तो ज्ञात होना चाहिए कि विजयनगर राज्य में कन्या की अनुमति के बिना उनका विवाह करना अपराध है। महाराज, मैं अत्यंत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ। पूरा राज दरबार जानता है कि आप दरिद्र हैं। इतने दरिद्र हैं कि दरिद्र भी आपको दरिद्र जान के भिक्षा दे जाते हैं। समस्या बताइए। महाराज, समस्या ये है
कि मेरी पुत्री ने कहा है कि जो भी महाराज निर्णय करेंगे वो उसी से विवाह करेगी। अब हम विवाह भी तय करेंगे। इन दोनों नवयुवकों में से आप किसी एक का चयन कर लीजिए ताकि मेरी पुत्री विवाह कर सके। महोदय, निर्णय अत्यंत साधारण है। आप शांत रहिए, महाराज को निर्णय करने दीजिए। हम बताते हैं, आपकी पुत्री। क्षमा करिए आचार्य, मेरी पुत्री उसी से विवाह करेगी जो महाराज निर्णय करेंगे। आप कृपया मौन रहिए। तुम्हारा इतना तो साहस, हमें मौन रहने का आदेश देते हो? मैं आपसे विनती कर रहा हूँ आदरणीय। मैं दरिद्र। समझ गए, हम मौन हैं, आप भी मौन हो जाइए। महाराज, मैं ये कह रहा था कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनको जानने से आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। अर्थात? महाराज, गत रात्रि हम विजयनगर आ गए थे। हम सबको भूख लग रही थी। श्रीनाथ हमें एक धर्मशाला में लेकर जाना चाहता था जहां भंडारे में पकवान बन रहे थे, परंतु प्रसाद नहीं माना और वो हमें एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लेकर गया जहां हमने कुछ धन देकर दही चावल खाए। तत्पश्चात श्रीनाथ ने धन व्यय करके हमारे लिए एक धर्मशाला में सुविधा संपन्न कक्ष लिया, परंतु प्रसाद के हट के कारण हमें कुएं के किनारे खुले में सोना पड़ा। महाराज, मेरी दरिद्रता को देखते हुए राज्यसभा में पहनने के लिए श्रीनाथ ने मुझे बहुमूल्य वस्त्र दिए थे, परंतु इस प्रसाद ने वो वस्त्र जो है जल में गीले कर दिए। महाराज, अगर मेरी पुत्री ने ये निर्णय आपके ऊपर नहीं छोड़ा होता तो मैं इस प्रसाद को भगाकर श्रीनाथ के साथ में अपनी पुत्री की शादी कर देता। एक घटना और है। घर से निकलते वक्त मेरी पुत्री सुप्रिया ने श्रीनाथ को सोने की एक बहुमूल्य अंगूठी प्रदान की और इस प्रसाद को स्वयं निर्मित हाथों से एक ऊनी वस्त्र भेंट किया था। इससे प्रतीत होता है कि मेरी पुत्री श्रीनाथ को पसंद करती है, परंतु वो लज्जावश कह नहीं पाई और निर्णय आपके ऊपर छोड़ दिया। महाराज, मेरी आपसे विनती है कि सारे पक्षों को देखकर ही आप कोई निर्णय लीजिए। निर्णय है कि आपकी पुत्री का विवाह प्रसाद से होना चाहिए। ऐसा क्यों महाराज? क्यों अर्थात? अर्थात निर्णय तो हमने ले लिया है, परंतु ये निर्णय हमने क्यों लिया है ये आपको हमारे विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण बताएंगे। जी महाराज जी। आदरणीय प्रसन्ना जी, प्रसाद के व्यवहार से यह प्रदर्शित होता है कि यह अत्यंत ही बुद्धिमान है और आपकी पुत्री से प्रेम भी करते हैं। अब आप ये कैसे कह सकते हैं पंडित रामकृष्ण? ऐसा माननीय प्रसन्ना जी जानना चाहते हैं। प्रसन्ना जी, प्रसाद ने आपको स्वादिष्ट भोजन के स्थान पर दही चावल खिलाया ताकि आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े और आप महाराज से भेंट करने का अवसर खो ना दे। और वो कुएं पर सुलाने का क्या लाभ था? कुएं पर प्रातःकाल ही चहल पहल आरंभ हो जाती है, लोग वहां स्नान करने के लिए आते हैं। वहां सोने के बाद ही सही समय पर जागकर आप राज दरबार में उपस्थित हो पाए हैं। और वो बहुमूल्य वस्त्र क्यों गीले किए? ताकि राज्यसभा में सबको ये विदित हो सके कि मैं एक अत्यंत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ। इतना दरिद्र कि दरिद्र भी मुझे भिक्षा देकर चले जाते हैं। कदापि नहीं, प्रसाद ये नहीं चाहते थे कि आपके संपन्न वस्त्रों को देखकर महाराज आपको विवाह हेतु कम धन दे। ये राज्यसभा का नियम है कि यहाँ पधारे हर जरूरतमंद व्यक्ति को महाराज यथा योग्य दान प्रदान करते हैं और आपकी पुत्री को भी प्रसाद ही प्रिय है। ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि मेरी पुत्री ने स्वयं अपने हाथों से श्रीनाथ को सोने की अंगूठी भेंट की थी और इस प्रसाद को साधारण ऊनी वस्त्र। वो आपकी दृष्टि में साधारण है। विचार करें,
एक स्वर्ण की अंगूठी तो किसी भी स्वर्णकार से खरीदी जा सकती है, परंतु अपने हस्त निर्मित वस्त्र से आपकी पुत्री की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कई माह लगे होंगे उसे ये बनाने में, और ऐसी वस्तु किसी प्रिय को ही दी जा सकती है ना? परंतु ये तो वो स्वयं कह सकती थी, उसने हमें महाराज के पास क्यों भेजा? आपकी पुत्री एक बुद्धिमती कन्या है, क्षमा करें मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु वो जानती है कि आप एक दरिद्र ब्राह्मण हैं, इसीलिए वो अपने विवाह हेतु एक दरिद्र को चुनकर आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए उन्होंने ये निर्णय महाराज पर छोड़ दिया। और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि इस समय वो इसी दरबार में उपस्थित है। सुप्रिया जी, मैं जानता हूं आप इस समय यहीं इसी दरबार में उपस्थित हैं, कृपया सामने आए। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपको कैसे ज्ञात था कि सुप्रिया देवी यहीं रात दरबार में उपस्थित हैं? महाराज, जिसके जीवन का इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाने वाला हो, उसे जानने के लिए तो हर मनुष्य उत्सुक होगा। धन्य है आप, आपके विषय में जितना सुना था उससे अधिक पाया है। आदरणीय पंडित रामकृष्ण, ये कहने में अतिशोक्ति नहीं होगी कि आपकी बुद्धिमता के समक्ष एक विशाल सेना भी पराजित हो जाए। अब ये कुछ अधिक कह गई हैं। आचार्य, हमें विश्वास है कि उचित समय आने पर आपके समक्ष हमारे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। महाराज, वरवधु को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अवश्य। आपका जीवन मंगलमयी हो। मंत्रीवर। जी महाराज। ये हमारी ओर से एक छोटा सा उपहार। हम ये घोषणा करते हैं कि इस विवाह का संपूर्ण व्यय राजकोष वहन करेगा। जानता हूं इस निर्णय से आप दुखी होंगे, परंतु आप एक सभ्य पुरुष हैं, रूपवान हैं, बुद्धिमान हैं, धनवान हैं। मां काली आपको भी एक योग्य जीवन संगिनी प्रदान करेंगी, परंतु सुप्रिया के लिए प्रसाद ही उपयुक्त वर है। महाराज, हमारे विजयनगर के श्रेष्ठ पहलवान श्री केसरी वल्लभ एवं पहलवान धुआंधार दुर्जन के बीच मल्ल युद्ध का आयोजन होना है। ये धुआंधार दुर्जन कौन है? महाराज, पड़ोसी राज्य के पहलवान हैं। चार राज्य के पहलवानों को पराजित करके अब उन्होंने श्री केसरी वल्लभ को चुनौती दी है, जिसे श्री केसरी वल्लभ ने सहर्ष स्वीकार किया है। अद्भुत, यही अपेक्षा थी हमें केसरी वल्लभ से, क्योंकि वे हमारे राज्य के गौरव है। महाराज, दोनों आपसे भेंट करना चाहते हैं। सहर्ष उन्हें आमंत्रण दिया जाए। महाराज, प्रणाम महाराज। पहलवान धुआंधार दुर्जन कहां है?
ये धुआं क्या है ये? प्रणाम महाराज। ये धुआं क्यों किया गया है आपके आने पर? मैं जहां जाता हूं ये धुआं मेरे साथ रहता है। इस धुएं से मुझे शक्ति मिलती है। आपका विजयनगर राज्य में स्वागत है। आपने हमारे राज्य के पहलवान केसरी वल्लभ को चुनौती दी है। हाँ, इन्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा। दोनों को हमारी शुभकामनाएं। महाराज, यदि आप मल्ल युद्ध में उपस्थित रहे तो हमें अत्यंत हर्ष होगा। जी महाराज, आप भी साक्षी रहेंगे जब मैं इन्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा। अवश्य हम भी ये मल्ल युद्ध देखना चाहेंगे। हम वहां पर उपस्थित रहेंगे। इनकी भुजाएं तो मेरी जांग से भी ज्यादा विशाल हैं। विशाल अरे अरे नहीं, मैं पहलवान हूँ। आदरणीय पंडित रामकृष्ण, ये कहने में अतिशोक्ति नहीं होगी कि आपकी बुद्धिमता के समक्ष एक विशाल सेना भी पराजित हो जाए। पंडित रामकृष्णा, अब देखते हैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धिमता कैसे बचाती है। हाय, कितना आनंददायक समय व्यतीत होने वाला है। हम प्रसन्न, अति प्रसन्न। सौदामिनी कहाँ हो? आओ ना। तुम इस कक्ष में क्यों आए मूर्ख? हम जानते धनी नहीं है, तुम अकेले हो। अरे कुछ समय तो हमें अकेले व्यतीत करने दिया करो शांति से। सदाए खीर में मक्खी की तरह पड़े रहते हो। गुरुजी, मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे मन का विचार सदैव अनुचित समय पर ही क्यों प्रकट होता है? प्रतीक्षा नहीं कर सकता था तुम्हारा विचार? बको। गुरुजी, विजयनगर में मल्ल युद्ध का आयोजन किया जा रहा है। क्या है हमें तो? गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस मल्ल युद्ध में भाग ले। नहीं गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस मल्लयुद्ध में भाग लें। हाँ, इसलिए गुरुजी, ताकि पूरे विजयनगर के सभी वासियों को ज्ञात हो जाए कि आप प्रकांड पंडित ही नहीं बाहुबली महाशक्तिशाली भी हैं, ताकि आपको शारीरिक क्षमता में भी कोई पराजित ना कर सके। अरे मूर्ख, क्यों हमसे दंडित होना चाहते हो? सुंदर समय ये मल्लयुद्ध की चर्चा का है क्या? अति उत्तम विचार है तू। मनी सत्य ही कह रहा है, आपको इस प्रतियोगिता में अवश्य ही भाग लेना चाहिए। भला आपके होते हुए कोई और इस मल्लयुद्ध की प्रतियोगिता में विजेता हो, ये कैसे संभव है भला? क्या हुआ गुरुजी, डर गए क्या? आप हम भी क्रोधित हो रहे हैं। नाना प्रिय, नाना, हम तो इस मूर्ख को कह रहे थे। देखो, सत्यता तो ये है, जो स्पर्धा हो रही है या समय पर हो रही है, इसलिए हम विवश हैं। वो क्या है कि हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना प्रारंभ की है। यदि हमें पहले विदित होता तो हम साधना का समय कुछ और रख लेते। अवश्य अवश्य। हाँ, इधर आओ बैठो। हम तुम्हें अपने मल्लयुद्ध का एक अद्भुत किस्सा सुनाते हैं। सुनाइए। तुमने चट्टान सिंह पहलवान का नाम सुना है? हाँ हाँ सुना है। ये तो उचित
तुमने मलखान सिंह पहलवान का नाम सुना है? नहीं सुना गुरुजी। नहीं? ये उचित है। मलखान सिंह पहलवान अपने काल का बहुत ही प्रसिद्ध और बलशाली पहलवान था। हाँ? उसने हमें चुनौती दी। हमने चुनौती स्वीकार की और उससे मलयुद्ध करने के लिए हम अखाड़े में कूद पड़े। वो हमारे समक्ष, हम उसके समक्ष, वो हमें देखे, हम उसे देखें, हम आगे बढ़े पीछे हटे, हम दाएं वो बाएं, हम दाएं वो बाएं। तभी हम उसे पकड़कर दबोचने वाले थे कि हमें अचानक छींक आ गई। और जैसे ही छींकने के बाद हमने अपने नेत्र खोले, हाँ, तो मलखान सिंह पहलवान अदृश्य। कहाँ गया वो? हाँ, वो जो दर्शक हमारा कौशल देखने के लिए उपस्थित हुए थे, हाँ, उन्होंने हमें विदित करवाया कि मात्र हमारी छींक से मलखान सिंह पहलवान आकाश में उड़ गया। उड़ गया। है? ये क्या कर रहे हो गुरुजी? लपेट रहा हूँ। अच्छा लपेट रहा। इधर आ। जी गुरुजी। बाहर जाके लपेटो। मणि, तुझे तो हम बाद में देखेंगे मूर्ख, पर अभी लपेटेंगे तो हम पंडित रामा कृष्णा को। बल के सामने बुद्धि की परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ पंडित रामा कृष्णा।